क्या शैम्पू से हेयर ग्रोथ भी होता है? नो। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज याश्विन और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अपनी हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग और अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग कौन से इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू यूज़ करने चाहिए और कौन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपके बालों के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप कोई नए जन है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाकी वीडियोस भी देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर करना चाहूंगी जो आपके मन में भी जरूर आता होगा, येस और नो में। पहला क्वेश्चन, क्या हम हर सीजन में एक ही शैम्पू को यूज कर सकते हैं? नो। दूसरा, क्या शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल होता है? यस। क्या शैम्पू से हेयर ग्रोथ भी होता है? नो। तो चलो अब हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आपकी लो पोरोसिटी है तो आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लो कि लो पोरोसिटी होती कैसी है। जिनके क्यूटिकल्स, अब क्यूटिकल्स क्या होता है? क्यूटिकल्स यानी कि ये जो हमारा एक बाल है ना, ये एक बाल का बाहरी सतह जो होता है वो क्यूटिकल कहलाता है, ठीक है। जिनके क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल खुले खुले नहीं होते, अंदर की तरफ एकदम दबे हुए होते हैं, टाइट होते हैं, ऐसे बालों को लो पोरोसिटी हेयर कहते हैं। और ऐसे बालों में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए या तो वो बालों की सतह में या स्कैल्प पे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको बिल्डअप कहते हैं। लो पोरोसिटी हेयर में हैवी सिलिकॉन, सल्फेट और एक्सेसिव प्रोटीन, आई रिपीट, एक्सेसिव प्रोटीन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना है। और ऐसे इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट का अगर आपके बालों में बार बार यूज़ होता है तो आपके बालों में बिल्डअप होगा, बिल्डअप होगा तो डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल होगा। ऐसे बालों में आपको क्लेरिफाई शैम्पूज ही यूज़ करने चाहिए। क्लेरिफाई शैम्पूज आपके बालों में बिल्डअप नहीं होने देता। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने लगता है। और इस बात पे आप लोग बोलोगे कि दीदी, मार्केट में इतने सारे क्लेरिफाई शैम्पूज हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कि समझ नहीं आता कौन सा यूज़ करें, और हमारे बस की तो नहीं है इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको अफोर्डेबल क्लेरिफाई शैम्पू का एक रिकमेंडेशन दूंगी। यह है पनेरे का क्लेरिफाई शैम्पू। ये सल्फेट फ्री है, प्लस ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ये आपके स्कैल्प से बिल्डअप बिल्कुल निकाल देगा धीरे धीरे। अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये उसको भी रिड्यूस कर देगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये वाला शैम्पू मैंने अपनी कजन को दिया था जिसकी लो पोरोसिटी है, उसके स्कैल्प पे बिल्डअप की प्रॉब्लम रहती थी और डैंड्रफ भी थोड़ा बहुत था, लेकिन जब से वो इसको यूज कर रही है ना, उसको लगभग एक महीना हो चुका है यूज करते हुए, उसका बिल्डअप खत्म हो गया, डैंड्रफ भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है, और बिल्डअप की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा था ना, वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो आपको ये वाला ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मार्केट में जितने भी एक्सपेंसिव क्लेरिफाई शैम्पूज हैं ना, उससे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अब जो बिल्कुल एकदम बजट से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए मैं एक ऑप्शन बताती हूँ। देखो, एक क्लेरिफाई शैम्पू आपको अपने रूटीन में ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं, मैं बार बार इतना खर्चा नहीं कर सकती, तो आप एक काम कर सकते हो, आप वीक में सिर्फ एक बार क्लेरिफाई शैम्पू यूज़ करो ताकि बिल्डअप ना हो आपके स्कैल्प पे, और बाकी दिन जो भी आप शैम्पू आपको सूट करता है आप वो यूज़ करो, लाइट वेट जो भी आप यूज़ करते हो। तो इससे क्या होगा, क्लेरिफाई शैम्पू आपका लंबा चलेगा, तो आपको बार बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं नाजुक बालों की, यानी कि हाई पोरोसिटी बालों की, जिनके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो खुले खुले होते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट को इजीली अपने अंदर समा लेते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? ड्राई, फिजी, बेजान से होते हैं। और ऐसे बालों में, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ये सारे इंग्रेडिएंट हो, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ऐसे हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट को तो बिग नो कर दो, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना ये आपके बालों से ना मॉइस्चर को खींच के बाहर निकाल देंगे और आपके बाल कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। तो ऐसे शैम्पू जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट हो ना, उससे दूर रहना है। प्लस ऐसे जो बाल होते हैं ना, उनकी जड़ें भी काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो अगर आप ऐसे शैम्पू यूज़ करो जो आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन करे, यानी कि स्ट्रेंथन शैम्पू यूज़ करो, तो वह आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और ऐसे बालों के लिए आप पेरेने का हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली सल्फेट फ्री है, तो आपके बाल में कोई हार्श केमिकल नहीं जाएगा, प्लस ये आपके बाल को स्ट्रेंथन तो करेगा ही, साथ में अगर आपके बालों में ब्रेकेज की प्रॉब्लम रहती है, जो कि हाई पोरोसिटी बालों में बहुत ही आम बात है, ये उसको भी रिड्यूस। लकी वाले बालों की बात करेंगे, यानी कि मीडियम हेयर पोरोसिटी। अब आप लोग कहते हो, दीदी आप हाई का बता देते हो, आप लो का बता देते हो, लेकिन मीडियम वालों को तो भूल ही जाते हो, हम कहाँ जाएँ।
देखो मैं इसलिए हमेशा स्किप कर देती हूँ, जो मीडियम हेयर पॉर्सिटी वाले होते हैं ना, उनके बाल ना अच्छे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे बालों में माने जाते हैं, वो अच्छे बालों की जो क्वालिटी होती है ना उसमें आते हैं, उस टाइप में आते हैं, तो ऐसे बाल बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और ऐसा चीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और इंडिया में ना मीडियम पॉर्सिटी वालों की जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज या तो लो की है या फिर हाई की है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा कम बात करती हूँ। अब बात करते हैं कि आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखो अगर सारे टेस्ट करने के बाद आपका जो आउटकम है वो मीडियम पॉर्सिटी निकला है लेकिन आपको ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ना 2 वीक में एक बार क्लेरिफाई शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, बाकी दिन आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करना कि हैवी प्रोटीन वाले प्रोडक्ट यूज ना करो, क्योंकि मीडियम पॉर्सिटी में भी अगर आप हैवी प्रोटीन का यूज करोगे ना तो वो भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको आपके बाल आपको लगता है कि कमजोर से हैं लेकिन डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी बालों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आपको कोई शैम्पू यूज करना है तो आप पेरेने का हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है और आपको लगता है आपकी जो हेयर टाइप है वो मीडियम टू लो पॉर्सिटी हेयर है तो आप क्लेरिफाई शैम्पू 2 वीक्स में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर आपके नॉर्मल बाल हैं तो आप हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे परिवार को यानी कि आप लोगों को शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पता चल चुका है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके बाल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, कौन से आपके बाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कौन से आपके बाल के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिख के जाना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग आते हो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।